तो पहले मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस, थ्री मेजर डिसएडवांटेजेस और थ्री मेजर एडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा। पैसे नहीं है फैमिली के पास डिग्री के लिए, डिग्री करने के लिए। दैट्स वाई एवरी डे हायरिंग होती है, एवरी डे रजिस्ट्रेशन होता है। एक अमाउंट होगा, एक पैसा होगा आपके अकाउंट में, आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। So, hey guys, what is up everybody? Assalamualaikum, namaste. My name is Ashfaq Ujjah. Welcome back to my YouTube channel, The MV Vlogs. Yes, we're back with another vlog. आज है 21 नवंबर और हमारे बाहर जाने के लिए बस बचे हैं 23 डेज। तो कोई बात नहीं, 23 डेज के अंदर हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे घर पे ही, और वहाँ पे जाने के बाद तो कंटेंट बनेगा ही बनेगा, जो कि आप लोगों को देखना बहुत पसंद है। बिकॉज बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि शिप वाले व्लॉग बनाओ, शिप वाले कंटेंट बनाओ, हमें वो देखना है। तो यस, ऑब्वियसली वो वाले भी व्लॉग्स बनेंगे, वो वाले भी कंटेंट बनेंगे, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। बट उससे पहले अभी मैं जाता हूँ, ये थोड़े वेंडर्स आते हैं हमारे घर के पास, ऐसे आवाज़ आते रहते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ, हमें कुछ करना है, ब्रांड कोलैबोरेशन वीडियो वो कंप्लीट करना है, ब्रांड को भेजना है। ब्रांड अप्रूव करते हैं तो हमें रील इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कहीं ना कहीं तो देखने मिलेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी अभी वही, अभी जाता हूँ मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करते करते मैं रीड करूँगा Q&A अबाउट द क्रूज शिप, जो भी हमने यूट्यूब पे बोला था कि आप हमें पूछो, तो आपने पूछा है हमें, तो वो कमेंट्स हम रीड करेंगे और आपको आंसर देंगे। देखो जितनी नॉलेज मुझे है क्रूज शिप के बारे में, मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इफ इट्स हेल्पेबल, कैसे कहते हैं, इफ यू थिंक इट हेल्प्स यू देन इट्स गुड फॉर मी। तो लेट्स गो, फर्स्ट विल प्रिपेयर आवर ब्रेकफास्ट, देन विल टॉक अबाउट क्रूज शिप Q&As। लेट्स गो। यस, वेलकम टू माई देसी किचन। अब किचन में हम खाना तो नहीं बनाएंगे, बट नाश्ता लेते लेते हम रीड करेंगे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम आपको देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पैसे नहीं है फैमिली के पास डिग्री के लिए, डिग्री करने के लिए क्या करना चाहिए? कामाक्षी से बार कोर्स करना बेटर होगा या अदर कॉलेज से? बेटर है। देखो, अगर आप कामाक्षी से करते हो तो आपको प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं होगी। कामाक्षी खुद एक एजेंसी है जो क्रूज शिप पे आपको जॉब दिलाती है, तो आपको वो जॉब की टेंशन नहीं होगी। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कामाक्षी करो, बट कामाक्षी से थोड़ी एक्सपेंसिव होगा कोर्स कामाक्षी में, एज फार एज आई नो। अगर आपको कामाक्षी से नहीं करना है, देन यू कैन चूज अदर, जैसे कि इफ इट्स इन गोवा देन यू कैन चूज फादर अग्नल, इफ इट्स इन अदर स्टेट तो वहाँ पे पता नहीं कौन से एकेडमीज हैं, कौन से क्या कहते हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज या कौन से वो है कॉलेजेस हैं जो बार का कोर्स कराते हैं विद इन वन ईयर। 6 मंथ का कोर्स होता है, 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, ऐसे कुछ होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। हाउ इट इज़ क्वेश्चन है सर, होटल मैनेजमेंट कॉलेज प्लेसमेंट के बाद किचन डिपार्टमेंट में कौन सा पोजीशन मिलता है? और एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, क्या होटल में भी पोजीशन में काम करके गैली यूटिलिटी में जा सकते हैं? कितने दिन होटल में काम करके गैली यूटिलिटी जॉब मिलता क्रूज में? देखो ऐसा नहीं है, होटल में आप लोग देखो, क्रूज पे ज्वाइन करने के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज मस्ट, कंपलसरी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अब 1 साल एक्सपीरियंस लो और अप्लाई करो, जैसे किचन में अप्लाई करो आप। इफ़ यू आर लकी, अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक किया, देन दे विल ऑफर यू किचन डिपार्टमेंट कि किचन का पोजीशन एज अ कॉमी असिस्टेंट कुक, ये बेसिक पोजीशन होता है। अगर आपने इंटरव्यू में थोड़ा इधर उधर किया एंड बट स्टिल दे वॉन्ट समवन फॉर गैली यूटिलिटी, देन दे विल गिव यू ऑप्शन, वी विल हायर यू फॉर गैली यूटिलिटी, इज इट ओके फॉर यू? तो आप अगर जाना है गैली यूटिलिटी में तो गैली यूटिलिटी में जाना, वहाँ से आप शिप पर जाकर 1 साल के बाद क्रॉस ट्रेन कर सकते हो, एंड नेक्स्ट ईयर यू कैन ज्वाइन एज अ किचन डिपार्टमेंट, बार डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग, जो भी आपको क्रॉस ट्रेनिंग करना है वहाँ पे जैसे अवेलेबिलिटी होती है तो वो आप कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपको गैली यूटिलिटी में ही एकदम मिलेगा। अगर आपको गैली यूटिलिटी में ही जाना है, किचन में नहीं जाना है, देन यू लर्न अबाउट यूटिलिटी इन द होटल, जैसे क्लीनिंग क्या क्या यूज़ करते हैं, सैनिटेशन, लर्न अबाउट द सैनिटेशन ऑफ द किचन होटल जो भी रहता है, ये सारी लर्न करो एंड अप्लाई फॉर गैली यूटिलिटी, क्योंकि गैली यूटिलिटी के भी वैकेंसीज आते हैं। फॉर गैली यूटिलिटी ऑल्सो यू नीड 1 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट। तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है हर जगह पे, नो मैटर आप कौन से इसमें अप्लाई करो, आपको एक्सपीरियंस इज मस्ट। मेरे को ना ब्रेकफास्ट में जो पुराना बचा हुआ, कल रात का बचा हुआ, या फिर जो बचा हुआ वो होता है ना ग्रेवी, जैसे चिकन की ग्रेवी हो गई या फिर फ़िश की कड़ी हो गई, हम गोवा में कड़ी बोलते हैं, फ़िश की कड़ी हो गई उमड़,
वो खाने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगले दिन ये जो टेस्ट करता है ना, बहुत बढ़िया टेस्ट कर, जिस दिन हम बनाते हैं उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। दिस इज़ वॉट मिडिल क्लास फैमिलीज डू एंड दिस इज़ वॉट टेस्ट बेटर देन एनीथिंग एल्स। सो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शेफ पिछले एक साल से बार डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, भाई आपको किसने कहा कि वैकेंसी नहीं है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं, मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने सारे इंस्टाग्राम लिंक्स दे दिए हैं आपको, मतलब जितने भी वैकेंसीज डालते हैं, एक्सप्लोरर जर्नी, MSc, CSSI मुंबई, कामाक्षी, एयरबोन, रोई इंटरनेशनल, सारे के मैंने दे दिए हैं, और बार की वैकेंसी एक्सप्लोरा में है ही है। आप जाके देखो MSc क्रूज करियर, उसमें एक्सप्लोरा जर्नी एक नाम से कंपनी है, उनकी सिस्टर कंपनी है, वो हायर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब ये मत कहो कि पिछले एक साल से नहीं है, भाई आ रहे वैकेंसी, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जाओ वापस से इस लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में, नीचे भी आपको मिलेंगे लिंक्स, तो फॉलो करो और कर दो अप्लाई, मिलेगी वहाँ पे, बार वैकेंसी है ही है, तो जाओ और देखो। अब हमने तभी पढ़े थे 3 क्वेश्चंस, आई गेस, तो 3 या 2 ऐसे कुछ पढ़े थे। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर क्वेश्चन। Another question is bartender, bar sir, supervisor, bar manager, income including everything, incentive, tip, commission and all. देखो मैं इतना exactly तो नहीं बता सकता because I'm not into that field. मैं आपको बट एक rough figure बता सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे colleagues है bartender में, they used to tell me that bartender की salary होती है somewhere around $3,000. If you calculate in India, it's like around 280. हाँ, 280,000 या 260,000 ऐसे, 280,000 ऐसे कुछ होता है इन एन अराउंड। सो 280,000 प्लस टिप्स प्लस इंसेंटिव, यू गेट अराउंड लाइक $4,000। तो मान के चलो कि 3 लाख के आसपास आपकी सैलरी होती है, 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास, इफ़ बार टेंडर। बार सुपरवाइजर की इज़ मोर देन बार मैनेजर, ऑब्वियसली इज़ मोर। मैं हमेशा कहता हूँ बार वाले पैसा कमा नहीं रहे, वो लोग पैसा छाप रहे हैं। तो बार में अगर आपको चांस मिलता है तो गो फॉर इट, बट मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड बार, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। और सेकेंड क्वेश्चन, सर इज़ गेटिंग क्रूज जॉब इज़ वेरी हार्ड बिकॉज बहुत कॉम्पिटिशन है? देखो कॉम्पिटिशन भी बहुत है, वैसे कंपनियाँ भी बहुत है, तो हर कंपनी को यू कैन से हर 3 महीने के बाद उनको नई नई करके 100 से 150 लोग चाहिए होते हैं। दैट्स वाई एवरी डे हायरिंग होती है, एवरी डे रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं वही कहता हूँ, रजिस्ट्रेशन करो, एक कंपनी नहीं, दो कंपनी नहीं, 3 नहीं 4 नहीं, रजिस्ट्रेशन करो। मैं एक रील भी डाला हूँ इंस्टाग्राम पे, वो जाके आप रील देखो, उसमें मैंने 5-6 कंपनियों के लिस्ट दिए हैं, उस लिस्ट में सारे उनके वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके रजिस्टर करो। देखो आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ना मैं आपको जॉब लगा ही दूंगा, नहीं, मैं बस आपको हेल्प कर रहा हूँ। देखो मेरे से जितना हो सकता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है हर चीज़ें, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कंबाइन किया एक 6 कंपनियों की लिस्ट, 6 कंपनियों की वेबसाइट, और मैंने आपको दिए एक साथ में। तो आप 6 कंपनी में अप्लाई करके रखो, रजिस्टर करके रखो, 6 में से 1 में तो कंपनी से आपको कॉल आएगा। तो वही है, जितना मैं सीखा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी ये नहीं कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको जॉब लगेगी लगी, आप सही जगह पे आए हो, ऐसे नहीं। अपना देखो, कोशिश आप अपनी करो, जॉब लगना नहीं लगना फिर वो आपके ऊपर है कि आपको कोशिश करना है नहीं करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। सही बात है। कितने साल तक काम कर सकते हैं लास्ट इफ समवन ज्वाइन एट द एज ऑफ 24-25? देखो 25-24 के आप एज में ज्वाइन करते हो, आपको कितने साल तक काम करना है वो आपके ऊपर है, है ना। मैं अब हमेशा वही कहता हूँ, देखो कंटिन्यू आप करते रहोगे, 40 साल के भी वहाँ पे हैं, 50 साल के भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। और आप ये नहीं कि 50 साल तक, बीइंग अ इंडियन आई डोंट थिंक सो पीपल वुड लाइक टू वर्क देयर एट द एज ऑफ 50, क्योंकि आप जब 50 के हो जाओगे, देखो मेरा यही मानना है, जब तक आप उस एज के हो जाओगे तब तक आपके पास एक अमाउंट होगा, एक पैसा होगा आपके अकाउंट में, आप उस अमाउंट से आप अपना बिजनेस सेट करो, अपने फैमिली के साथ रहो। मरने तक, ज़िंदगी ख़त्म होने तक वहाँ मत काम करो, क्योंकि देखो 8 महीने आप वहाँ काम करोगे, 2 महीने छुट्टी में आओगे, अपने फैमिली को मिलोगे, अपार्ट फ्रॉम लाइक पूरे साल से आप बस 2 ही महीने आप अपने फैमिली दोगे, विच डजंट यू नो साउंड्स गुड, ये अच्छा साउंड नहीं करता है। तो मैं वही कहता हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वर्क अंटिल यू थिंक इट्स यू नो यू आर केपेबल इनफ ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। वंस यू नो दैट यू आर केपेबल इनफ ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस विद योर फैमिली, देन जस्ट लीव द जॉब एंड स्टे हियर विद द फैमिली। देखो भाई आखिरकार में ना फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा आज है कल नहीं है, तो वही सोचो, काम करो, जब तक आपके पास पैसा बचेगा तब तक काम करो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो सर, मैं स्कूल में अकाउंटेंट वर्क करता हूँ, क्या शिप में मेरे लिए कोई पोस्ट है या फिर किसी पोस्ट पर ट्राई कर सकता हूँ? ऑब्वियस शिप, अगर आप अकाउंटेंट के लिए काम कर रहे तो यू कैन अप्लाई फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, रजिस्टर करो। मैंने वही कहा हमेशा, देखो लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे एक रील होगा, उस रील पे जाओ, कमेंट करो लिंक, आपको लिंक 6 वेबसाइट्स की आ जाएगी, 6 वेबसाइट में, 6 कंपनी में, एजेंसीज में आप अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको किसी एक कंपनी से कॉल आ जाएगा, गिव यू इंटरव्यू, गिव यू बेस्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग ऑन यू, माई जॉब इज़ जस्ट टू हेल्प यू, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हेल्पिंग यू थ्रू वट एवर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉन्टेंट आई हैव, आई एम हेल्पिंग यू गाइज, तो जाओ वो करो। बाकी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, बट अभी क्या करता हूँ, अभी आई गेस मुझे अम्मी का कॉल आ रहा है, अम्मी भाभी का, तो वहाँ पे जाना है, उनको पिक करना है, फिर घर जाना है, घर जाने के बाद मुझे ब्रांड का काम है वो करना है, रील शूट करना है वो करना है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे अबाउट द क्रूज शिप। मैं आपको कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस मैं बताऊंगा अबाउट द क्रूज शिप, विच विल हेल्प यू टू थिंक वेदर यू वॉन्ट टू ज्वाइन और यू डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन। क्या वो डिसएडवांटेजेस आप सह सकते हो, क्या वो एडवांटेजेस आपके लिए सच में हेल्पफुल है, ये चीज़ें आपको पता चलेगी जब मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको बताऊंगा, तो व्लॉग में बने रहना है ना। अभी चलते हैं सीधा, अम्मी भाभी को पिक करते हैं, फिर चलते हैं घर। सो हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे बट द सेम व्लॉग। अब ये नेक्स्ट डे सेम व्लॉग क्यों, क्योंकि कल शाम में मैं इतना बिजी होगा, जैसे मैंने कहा था स्टार्ट में, बिकॉज ब्रांड कोलेबोरेशन, ब्रांड को वीडियोज़ बना के देने थे, उसके एडिटिंग में एंड उनको सेंड करना, बहुत कुछ चीज़ें, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अप्रूवल, आई होप सो वो अप्रूव कर दे, सो दैट आई कैन अपलोड दोज वीडियोज, दोज रील्स एंड यूट्यूब वीडियोज। बाकी वही है, और इतने दिनों से मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, देखो अपन करते हैं डेली व्लॉगिंग, है ना। अब जब ब्रांड आया मुझे, तो पहली बार भाई ब्रांड आया है, तो है ना थोड़ा आप समझ सकते हो कि बंदा बिजी हो गया, तो मैं वही सीन है कि मैं थोड़ा बिजी हो गया जब ब्रांड आया, क्योंकि ब्रांड के कंटेंट को लिखना फिर उसको एग्जीक्यूट करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, और इट वाज गुड एक्सपीरियंस, बट आई होप सो कि वो अप्रूव करे, बस इतना ही। अगर वो अप्रूव करेंगे तो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर नहीं करेंगे तो दे सेड इट्स 50-50, यू विल नॉट गेट चांस टू अपलोड दोज वीडियोज एंड वो ब्रांड चला जाएगा। आई होप सो वो हो जाए, बाकी हो जाएगा तो आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम रील में या कहीं ना कहीं तो। और बाकी हाँ, बाकी मैंने वीडियो में कहा था लास्ट में, मैं आपको बताऊँगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो पहले मैं आपको बताऊँगा डिसएडवांटेजेस, 3 मेजर डिसएडवांटेजेस और 3 मेजर एडवांटेजेस मैं आपको बताऊँगा। अब देखो डिसएडवांटेजेस 3 मैं आपको बताता हूँ, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, ये किसी किसी के नहीं हो सकते डिसएडवांटेजेस, या कोई कोई इसे है ना अपना सकता है कि ये हाँ चल जाएगा अपने को। तो देखो जो मेरे डिसएडवांटेजेस थे मैं आपको बताता हूँ, पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा फॉर 8 मंथ्स, लाइक 8 महीने आपको फैमिली से इतना दूर रहना, मतलब आप उनसे मिल नहीं पाओगे, भले आप वीडियो कॉल पे बातें होगी, कॉल पे बातें होगी, बट आप उनको मिल नहीं पाओगे। जैसे हमारा यहाँ पे कैसे होता है, हम शाम सुबह कहीं गए, शाम को घर आए, तो वापस हम अपने फैमिली को मिल सकते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपकी एक अलग फैमिली क्रिएट होती है। तो वही है कि यू विल नॉट गेट चांस टू मीट योर फैमिली फॉर 8-9 मंथ्स। और सेकेंड डिसएडवांटेज है कि आपको वीक ऑफ नहीं मिलेगा, पूरे 8 महीने आपको कंटिन्यू काम करना होगा, सुबह उठे काम किए, शाम को आए वापस अगले दिन गए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको है ना वीक ऑफ वगैरह मिलता है। हाँ, तो थर्ड डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊँ, थर्ड डिसएडवांटेज है आपका स्ट्रेसफुल डे, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ के एल लग जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होगी। आई नो बहुत लोग ये बात नहीं करते हैं अपने वीडियोस में, बट मैं आपको फ्रेंकली बताऊंगा कि आपकी मेंटल हेल्थ आपका साथ नहीं देगी वहाँ पे, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप उसको हैंडल करते हो। बाकी अब मैं बात करूंगा 3 एडवांटेजेस की, तो 3 एडवांटेजेस हैं, उसमें से पहला एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, टैक्स फ्री सैलरी, आप जो भी कमाओगे उसका टैक्स कट नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज, फ्री वर्ल्ड टूर, आप फ्री में वर्ल्ड घूम सकते हो, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड एडवांटेज, जिसकी वजह से ही लोग बाहर अपनी फैमिली छोड़कर बाहर जाते हैं काम करने के लिए,
एक गोल सेट करके जाते हैं कि हम इस चीज़ की वजह से जा रहे हैं, वो है फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना। अगर आप ये करते हो तो भाई किस कौन सी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, मतलब हर फैमिली वही चाहता है कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, वो भी अच्छे खासे लेवल पे। तो ये तीन एडवांटेजेस हैं, और तीन डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दी। यहाँ पे चींटियाँ बहुत हैं, वीडियो के चक्कर में चींटियाँ चढ़ गई मेरे ऊपर। तो यही है तीन डिसएडवांटेजेस और तीन एडवांटेजेस, बाकी देखो आपके ऊपर है आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए या आपको डिसएडवांटेजेस लेके बैठना है, या फिर आप एडवांटेजेस पे फोकस करना चाहते हो। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस अब आपके ऊपर है। देखो पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, तो वही है आपको अपना थोड़ा मेंटल हेल्थ को थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे 8 महीने एकदम ऐसे ज़ॉम्बी हो जाओगे, नहीं, आप 3 महीने के लिए थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे। जब आप वहाँ पे दोस्त बनाने लगे, जब आप काम सीखने लगे, आपको लगेगा भाई ये क्या है, ये तो हाथ का महल है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। जब पैसे हाथ में आएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ जब पैसे हाथ में आएंगे आपको कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा, आपका सब स्ट्रेस का इलाज है पैसा। तो पैसा कमाओ, क्रूज शिप पे जाओ। बाकी मैं सुबह सुबह उठ के यही जगह पे आऊँ जो मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत अच्छा है, वीकडेज में यहाँ पे कोई होता नहीं है सुबह के टाइम पे। तो मैं अभी सुबह के बज रहे हैं 10, मैं आज 7:30 बजे उठा था, जल्दी उठा था, सुबह के बज रहे हैं 10। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे का व्लॉग मैं शुरू करूँगा यहीं से। आई डोंट नो क्या होगा, इट्स गोना बी अबाउट द क्रूज शिप, इट्स गोना बी अबाउट माई लाइफ स्टाइल, इट्स गोना बी समथिंग एल्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड येस आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट में पूछते हैं ना, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछना, मैं वीडियो के जरिए आपको रिप्लाई करूँगा या फिर मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई करूँगा, जो भी होगा रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, चलो।